हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिसने अभी अभी अपने बीटेक में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज आरजीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड है बेटा, तो वैसे बच्चों को बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम लोग इसी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे गाइड भी करूंगा बेटा कि आपको किस तरीके से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप जाके सबसे पहले आरजीपीबी फर्स्ट सेम का क्या करो बेटा, आप सिलेबस देखो, क्योंकि वहां पर क्या है ना बेटा, दो ग्रुप है, एक ग्रुप है ए और एक ग्रुप है आपका बी। तो ए ग्रुप वाले बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ना है और बी ग्रुप वाले बच्चों को पढ़ना है फिजिक्स। तो पता चला आपको आपका ग्रुप नहीं पता है और आप इस केमिस्ट्री के वीडियो को देखकर फॉलो भी कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो और कुछ दिन बाद ये पता चला कि आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं। तो आप जाकर सबसे पहले वहां पर देखिए कि आप कौन से ग्रुप में है, ब्रांच वाइज वहां पर ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो उससे आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है बेटा। उस सब्जेक्ट को आप नोट कर लेना और वहां पर मैंने बताया भी है कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है और टफ है। ठीक है, आप सबसे पहले वहां पर क्या कीजिए बेटा, क्लियर कर लीजिए कि केमिस्ट्री आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ना होगा तो आपको यह केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, तो यह वीडियो फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में देखना, है ना। मतलब कुछ बच्चे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे और कुछ बच्चे हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में इसी वीडियो को देखेंगे और फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए भैया। तो आपके बीटेक का नया शुरुआत हो रहा है और मेरा नाम इरफान रज़ा है और मैं बीटेक के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और बेसिकली आरजीपीबी के जितने बच्चे उनको मैं गाइड करता हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर गाइड करता हूँ बेटा। तो चलिए आप भी हमसे दोस्ती बना लीजिए, है ना। मैंने अपना नाम बता दिया, आप भी अपना नाम और अपना कॉलेज का नाम कमेंट कर दो ताकि मुझे अपने दोस्त का नाम और कॉलेज पता चल जाए। ठीक है बेटा, चलिए। तो भैया स्टार्टिंग करते हैं। भैया क्या है हमारे केमिस्ट्री में, देखो कुछ भी होता है ना नया, तो अभी के बच्चों को क्या है कि दिमाग में एक चीज रहता है कि सर केमिस्ट्री हमें पढ़ना है, क्या ये इजी है या टफ है, आपके दिमाग में ये आता है, है ना। कभी भी कोई भी नया सब्जेक्ट होता है बेटा तो आपके दिमाग में ये चीज आता है कि सर केमिस्ट्री अपन को पढ़ना क्या है, ये सर इजी है टफ है, थोड़ा सा आप बताओ। तो देखो बेटा एक बात समझना, आप जब आप 11 12 में थे आपको पढ़ना पड़ता था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, अभी आप कहां पर आ चुके हो बेटा, अभी आप आ चुके हो बीटेक में। तो बीटेक में क्या होता है ना मेरा प्यारा बच्चा कि फिजिक्स जो है बेटा वो आपका इजी हो जाता है, केमिस्ट्री आपका इजी हो जाता है और मैथ्स जो है ना बेटा वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहां पर केमिस्ट्री के लिए आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। होता है बच्चे घबरा जाते हैं जिनका केमिस्ट्री वीक भी है ना, पैनिक आपको नहीं करना बेटा। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, बस आप पढ़ना, नोट्स बनाना, एग्जाम के टाइम पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा तो आप कर लोगे। केमिस्ट्री के लिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री क्या है बेटा इजी होता है बीटेक में, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। तो अपने सिलेबस को जानो, जो तरीका मैं बता रहा हूं बेटा उसको आप फॉलो करो, आपका एग्जाम बहुत आराम से और अच्छे तरीके से क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस में। देखिए बेटा सिलेबस में जो सबसे पहला यूनिट है, जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है आपका वाटर। ठीक है, जिसमें वाटर का एनालिसिस, ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। तो आपको क्या करना है बेटा, बेसिकली आपको सबसे पहले यूट्यूब पे आना, यहाँ पे टू होना चाहिए, आप सबसे पहले यूट्यूब खोलो और ये जो चैप्टर का नाम है इस चैप्टर के नाम को क्या करो, आप यूट्यूब में सर्च करो, आप देखना बहुत ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। बहुत ऐसे लोग है जिन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाया बेटा, तो आप किसी एक को फॉलो करो और फॉलो करने के बाद क्या करना है बेटा, नोट्स बना लेना है। देखो एक बात आप समझिए, मुझे ये नहीं पता आपने क्लास 11 12 में कैसे पढ़ा था, आपने रट्टा मारा था, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा था, मुझे नहीं मतलब है, लेकिन बीटेक को पढ़ने का बेटा एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके को करोगे ना तो आपको क्या है आराम से आप पास भी हो जाओगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर रट्टाफिकेशन से थोड़ा बचना है कि भैया अपन रट रहे, क्योंकि कितनी चीजों को रटोगे बेटा। तो यहां पर बेसिकली अपन को समझने पे फोकस करना है कि अपन चीजों को समझें और समझकर फिर क्या करें बेटा, एग्जाम में उसे लिखें।
ठीक है। चलो जब भी आप नोट्स बनाओगे बेटा तो आप समझकर अपने ही हैंडराइटिंग से नोट्स बनाना, क्योंकि अपनी हैंडराइटिंग क्या होता है बच्चों को बाद में समझ में भी आता है, ठीक है। अगर आप याद करना भी चाहोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर मान लो आपने चैप्टर सर्च करा और आपको कुछ अच्छा में नहीं मिला तो आप क्या करना, फिर टॉपिक पे आ जाना कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर क्या हो जाता है, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स क्या होता है। तो अगर आपको चैप्टर से अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना है यूट्यूब पे, ठीक है, और नोट्स बनाना है। और क्या करना है बेटा, नोट्स बनाना है। तो आप अपने रूटीन में 3 दिन, ज्यादा नहीं, 3 दिन आप क्या रख लो, केमिस्ट्री रख लो कि आपको 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ना है। अपने सिलेबस को आप यहां पे चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सिलेबस का, जो भी सिलेबस का मॉड्यूल है बेटा आपको क्या करना, वन बाय वन आपको टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करना है और अलग अलग टीचर से समझ कर क्या करना है बेटा, नोट्स बना लेना है। क्योंकि जब आप समझ के पढ़ोगे तो क्वेश्चन अगर घुमा के भी देगा तो भी आप कर पाओगे बेटा, लेकिन केमिस्ट्री ईजी है, बच्चों का बैक नहीं लगता, बस आपको क्या है बेटा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सेम चीज आपको मॉड्यूल 2 के साथ भी करना है, ठीक है, और मॉड्यूल 3 के साथ भी करना है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर का नाम हो गया, और अगर चैप्टर सर्च करने पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है बेटा तो आप टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं, आप टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं, आप केमिस्ट्री को खुद से कर सकते हो, कोई भी आपको कोचिंग वगैरह लर्न फन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल 4 है, ईजी है ये सब, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन, है ना, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, ठीक, और ये मॉड्यूल 7 आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो केमिस्ट्री इजी है, आपको बस टॉपिक बाय टॉपिक अपने नोट्स को कंप्लीट करना अच्छे से, और बाकी जब एग्जाम का टाइम आएगा ना बेटा तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। तो अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़े हुए रहोगे ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के अंदर कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, केमिस्ट्री के सिलेबस को जान लो और पैनिक मत करना, है ना। होता है ना जैसे फिजिक्स में भी पैनिक कर जाओगे, केमिस्ट्री में भी कर जाओगे, मैथ में, हाँ मैथ एक पैनिक सिचुएशन है, मैथ्स टफ हो जाता है, मैथ्स में आप पैनिक करो, मैथ्स के लिए आप देखो क्या कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल हमारा मैथमेटिक्स 1 का कोर्स चल रहा है ना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ बेटा, आप जाइए डेमो लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी कोर्स चल रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कीजिए। एंड जिन बच्चों का बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है बेटा तो वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। तो ये 3 कोर्सेज फिलहाल अभी चल रहे हैं। अगर आप सेकंड सेम में देखोगे तो मैथमेटिक्स 2 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जितने भी टफ सब्जेक्ट है उसकी कोचिंग आपको मिल जाएगी बेटा, आप सबसे पहले जाओ, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उसके आप जो डेमो लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके आप ऐप डाउनलोड करके पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, अपने सिलेबस को आप जानिए, जैसे एग्जाम का टाइम आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, सारी तरीके से मैं सारी चीजों को मैं क्या करूंगा बेटा गाइड कर दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।